हेलो, मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से डीईएस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वर्क करता है। सो ये है प्रोसेस ऑफ डीईएस, यानी कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हम की इंप्लीमेंट करते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और उसका साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। सो डीईएस बेसिकली 64 बिट पे वर्क करता है। सो हियर इज वी हैव टू अप्लाई 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, यानी कि हम 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे और की हम अप्लाई करेंगे 64 बिट। लेकिन उससे पहले हमें परमिटेड चॉइस 1 अप्लाई करना है। सो परमिटेड चॉइस 1 यानी क्या? परमिटेड नेम इटसेल्फ सेज, यानी कि एक ऐसा टेबल जिसमें रैंडम वैल्यूज होती है और परमिटेशन होने के बाद वैल्यूज न्यू जनरेट होती है, वो यहाँ पे आएगी। सो हम पहले तो की का परमिटेशन करेंगे चॉइस 1 और 64 बिट का हो जाएगा 56 बिट। रीजन इज 8 बिट जाएगी पैरिटी के लिए, यानी कि एरर्स एंड ऑल इसके लिए यूज होगी। सो बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 56 बिट का यूज करना है की का। नाउ इस की के ऊपर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई होगा, दैट मींस शिफ्ट किया जाएगा राउंड 1 में। सो पहले तो मैं आपको बता दूं, डीईएस में बेसिकली 16 राउंड्स होते हैं एनक्रिप्शन के लिए, यानी कि एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के लिए 16 राउंड्स को फेस करना होता है। तो बेसिकली हर राउंड क्या है वो हम देखते हैं। तो पर्टिकुलर चलिए देखते हैं राउंड में क्या प्रोसेस होती है। सो पर राउंड डीएस में वर्किंग ऑफ पर्टिकुलर वन राउंड क्या होता है वो ये प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है कि पूरे एक राउंड में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 64 बिट के डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट एंड राइट, यानी कि 32 बिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस राउंड के अंदर एक एक्सपांशन परमिटेशन अप्लाई किया जाता है, यानी कि जो 32 बिट्स का डेटा होता है उसको 48 बिट में कन्वर्ट किया जाता है। रीजन इज हमारी की 28, यानी 28 दैट मींस हमारी की 48 बिट्स की होती है, जो हमने प्रोसेस डीएस प्रोसेस में देखा था। तो वो 48 बिट की एक्सोर करनी है राउंड प्लेन टेक्स्ट के साथ। दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सपांड दिस 32 बिट इनटू 48। दैट मींस दिस 48 बिट्स की एंड 48 बिट दोनों का एक्सोर होगा और उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा वो सब्स्टिट्यूशन चॉइस एस बॉक्स में जाएगा। सो व्हाट इज एस बॉक्स? सो ये डायग्राम है एक एस बॉक्स का। एस बॉक्स में आप देख सकते हो कि टोटल 8 बॉक्स है। जो भी 48 बिट्स की जो आती है उसको एक्सोर किया जाता है, देन एस बॉक्स में अप्लाई किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो S1 पे टोटल 6 लाइंस इनपुट जा रही है और 4 लाइंस बाहर निकल रही है। रीजन इज जब भी एस बॉक्स के ऊपर हम इनपुट देते हैं तो फर्स्ट 2 लाइन रिप्रेजेंट करती है रो को और लास्ट 4 लाइन रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। आप S1 ब्लॉक को देखिए तो उसके ऊपर 6 लाइन है, उसमें से फर्स्ट 2 लाइंस रो के लिए है एंड लास्ट 4 लाइंस है कॉलम्स के लिए। तो ये कॉलम एंड रो के ऊपर पर्टिकुलर जो वैल्यू आती है वो रिप्रेजेंट करती है और ये 6 बिट कन्वर्ट होके निकलती है 4 बिट। तो टोटल हम अप्लाई करते हैं 48 बिट्स 8 एस बॉक्स पे और उसमें से हमें कन्वर्ट होके मिलती है टोटल 32 बिट्स, यानी कि हमारी जो टोटल पहले 32 बिट्स की प्लेन टेक्स्ट थी वो हमें रिटर्न मिल जाती है। तो ये था एस बॉक्स का यूज। और अब इसमें सब्स्टिट्यूशन चॉइस एस बॉक्स के बाद परमिटेशन एक और बार किया जाता है इस 32 बिट के डेटा के साथ और ये 32 बिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के डेटा के ऊपर एक्सोर राइट हैंड साइड के डेटा का किया जाता है एंड लास्ट फाइनली वी गेट इज राइट हैंड साइड यानी RI। तो ये है हमारा प्रॉपर और एक राउंड के अंदर की पूरी प्रोसेस जो होती है वो है। सो एंड हियर इज द सिंपल की परमिटेशन चॉइस, यानी कि की के ऊपर कौन सी परमिटेशन चॉइस होती है। सो दिस इज द सिंपल राउंड एक्सप्लेनेशन फॉर डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लेट अस सी नाउ फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ डीईएस। तो हमने देखा कि राउंड में क्या प्रोसेस होती है। नाउ वी विल सी, ओके, एज मैंने कहा था कि राउंड के अंदर भी हम की अप्लाई करते हैं। यहाँ पे K1 हमने अप्लाई किया है, K2
की पे भी एक और बार परम्यूटेशन चॉइस अप्लाई होगी, सो हमें 48 बिट की को अप्लाई करना है राउंड वन पे। सो बेसिकली की का राउंड पे इंप्लीमेंट होने के बाद इस तरह से टोटल राउंड वन टू राउंड 16 सेम प्रोसेस चलेगी। उसके बाद राउंड 16 के बाद यहाँ पे जो होगा 32 बिट स्वैपिंग होगा, यानी कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो 32 बिट में स्वैप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फाइनली एक इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया जाएगा, यानी कि एक और इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन टेबल होता है जिसमें वैल्यूज जनरेट होती है और वो अप्लाई होने के बाद साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। सो बेसिकली डीईएस का यूज हम क्यों करते हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आ गए इसलिए हमें डीईएस यूज करना पड़ता है। डीईएस कंपैरेटिवली दूसरे साइफर्स से स्ट्रांग है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर एन्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल अकेडमी।